हेलो दोस्तों, इस छोटा सा वीडियो को पूरा देखने से आपको मिलेगा 20 रुपीज का पेटीएम वाउचर। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका ईमेल आईडी कमेंट करना और उस ईमेल आईडी पे हम पेटीएम वाउचर भेजेंगे। उल्लू ओरिजिनल्स का रॉन्ग टर्न एपिसोड 2 बहुत ही बढ़िया हुआ है। या फिर करण हमेशा सपना भाभी के बारे में सोचता है और वो सपना भाभी को पाने के लिए कोशिश करता है। दूसरी तरफ उसके गर्लफ्रेंड यानी कि जानवी ने करण को बुलाया अपने घर पे जहाँ पे सपना भाभी रहती है कुछ टाइम उसके साथ बिताने के लिए। लेकिन करण ने बस जानवी के लिए नहीं बल्कि सपना भाभी के लिए ही तुरंत आ गया। और कुछ टाइम तक जानवी के साथ बिताने के बाद अचानक जानवी का एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि पवन ने आ चुका था और पवन को सपना भाभी ने जानवी के रूम में भेज दिया। और वहाँ पे जानवी पवन को देखते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से हो गए और वो पवन को थप्पड़ मार दिया और बाहर निकल दिया। तो बबर ने बाहर निकल गया था और वो यानी कि जानवी ने भी बहुत ही ज्यादा परेशान थे क्योंकि पवन उसके लाइफ में फिर से आ चुका था, तो वो भी बाहर निकल गई। और उस रूम में करण अटका हुआ था और ये बात सपना भाभी ने जानती थी। तो सपना भाभी ने करण के पास आई और देखी कि करण बहुत ही ज्यादा परेशान थे क्योंकि सपना ने बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे। तो करण ने आई तो थी सपना के साथ मिलने के लिए और जानवी के साथ कुछ टाइम बिताने के लिए, लेकिन जानवी ने जब उसको छोड़कर बाहर निकल गई तब सपना ने करण को कही कि मैं हर वक्त देखती हूँ कि तुम मुझे छुप छुप कर देखते हो, तो अब मैं अकेली हूँ तो अब जितना चाहे मुझे देख लो। और वो दरवाजा भी बंद कर दिया। यानी कि आप समझ हो चुके होंगे इसका अगले पार्ट किस तरह से होने वाला है। इस वेब सीरीज के अगले पार्ट के जानकारी के लिए हमारे चैनल मिर्ची वेब सीरीज को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहे, धन्यवाद।